ईश्वरीय पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार है महाशिवरात्रि। सोलह अगस्त 2020 की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज हुई है जो 1986 में, जिसका विषय ही यही दिया है। जो हम अब चारों सब्जेक्ट अपने जीवन में लाने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई में लेते हैं, उन चारों सब्जेक्ट का यादगार है महाशिवरात्रि का त्यौहार। जिसमें बिंदु, पहला शब्द लिया है बाबा ने बिंदु, योग का विषय। वो बिंदु की पूजा करने के लिए शिवलिंग बनाते और उस परमात्मा को याद करने का प्रयास करते, जबकि हम बिंदु बाप को याद करते। वो बूंद बूंद पानी गिराकर ज्ञान की गंगा बहाते, बाबा कहते बूंद ज्ञान का प्रतीक है, रोजाना बाबा आकर ज्ञान की बूंदे डालते हैं, जिन्हें तुम अपने जीवन में इकट्ठा करते हो बूंद बूंद से तालाब बन जाते हैं। कितना ज्ञान का भंडार आपके जीवन में भर जाता है। वो व्रत रखते हैं और यहां व्रत का अर्थ है धारणा। क्या हमें अपने जीवन में लाना है और क्या हमने अपने जीवन में नहीं लाना है। ठीक है, जो बाबा ने कहा है वो करना है, ये व्रत है। चौथा शब्द लिया जागरण। भक्त लोग रात को जागरण करते हैं, बाबा कहते बच्चे वो रात का जागरण थकाने वाला है, ये सेवा का विषय है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो। अज्ञान नींद में सोई हुई आत्माओं को जगाना ये जागरण। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय पढ़ाई के, जिनका यादगार भक्ति में भक्त मनाते। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संपर्क करें,
और यदि आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।